गुड मॉर्निंग दोस्तों, देखिए सुबह का टाइम हो गया है और कल से इतना ज़्यादा हवा चल रहा, कल रात में आंधी उंधी सब आया था और इस टाइम भी इतना भयानक वाला हवा चल रहा है, बिल्कुल अच्छा हवा नहीं चल रहा है, रूखा रूखा और लू वाला हवा, मतलब धूल उल जो उड़ता है वो वाला हवा चल रहा है। और इधर जा रहे हैं हम नाश्ता बनाने, तो अभी डॉली कुकर को रखती है, फिर हम चलेंगे नाश्ता बनाने, तो फटाफट नाश्ता बनाएंगे, उसके बाद जो भी रूटीन होगा शेयर करेंगे आप लोग के साथ। तो इधर चना और मटर का मिक्स छोले बनाने वाले हैं, छोले मारो मसाला पीसे कंप्लीट है, इसका रेसिपी बहुत बार शेयर कर दिए तो रेसिपी नहीं देंगे, बस शॉर्टकट में जल्दी बनाएंगे क्योंकि लेट हो चुका है, आज काम भी बहुत ज़्यादा है घर पे। घर छोले के मसाले भून गए, डाल देंगे चना और मटर, खड़ा और मिर्ची डाल देते, खड़ा लहसुन और मिर्ची डालने से बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्वाद आता है। अभी फटाफट मटर भून गए 2 से 3 मिनट, इसमें हम डालेंगे पानी और सीटी लगा देंगे, फटाफट आटा लगा देंगे, नाश्ता बनाएंगे, 3 से 4 सीटी लगा देंगे, इधर नाश्ता बन जाएगा। तो इधर हम लगा लेते हैं फटाफट आटा, उसके बाद से डॉली बना लेगी रोटियाँ। क्यों हाँ, इधर पानी कहाँ रखी हो? पानी ऐसे रखे हो, उसी आटा सना रहा है जी। हमको लगा चाय बना रही हो क्या? मैं भी चाय नहीं बना रही। तो इधर छोले बनके रेडी हो गए हैं और डॉली आ गई है रोटियां बनाने, और हवा बहुत ही भयानक वाली चल रही है। और डॉली रोटी बनाने जा रही हो, और अनूप हरीश नहीं दिख रहे सब, कहाँ हैं? पीछे देखते हैं अनूप हरीश क्या कर रहे हैं, तब तक तो तुम रोटी बनाओ। ये सारा खेत जल गया है, मतलब जला दिए हैं सब, और इधर हरीश और अनूप दोनों बैठे हैं, हम कह रहे हैं कहाँ हैं सब, क्या हो रहा है जी? बरस आई हो ना धुपुआ में, अंदर चल के करो, अच्छा लग रहा है, हवा चल रहा है ना, हाँ अच्छा नहीं लग रहा है, धूप बहुत ही लग रहा है, चलो अंदर, अच्छा लग रहा है जी, अभी आएंगे तो डॉली अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ दोनों भाई बैठ के यहाँ पे एंजॉय करो, इन्हें जल्दी से आए, जल्दी से आओ। A few minutes later. तो इधर लग गया नाश्ता और सब लोग बैठ गए नाश्ता करने, और इधर नाश्ते में क्या बना है लोगों ने देख ही लिया है और सबके प्लेट में लग गया है और सब लोग बैठ गए हैं नाश्ता करने। और अनूप हम अनूप को छोले पसंद है क्यों अनूप? अरे बहुत बढ़िया जी, मतलब मटर वाला
1 hour later. तो इधर हम लोग नाश्ता वास्ता कर लिए, थोड़ा सा रेस्ट किए, उसके बाद से आगे खाना बनाने की तैयारी करने। आज किस चीज का सब्जी बन रहा है दीदी? ये क्या है? ये है मारकंडा। हाँ, मारकंडा सहजो। ये नहीं, मारकंडा का होता है ये पहले डाली। हाँ, मारकंडा के घर मोरेंगा 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 होता है। गड़बड़ हो गया थोड़ा सा। मोरेंगा सहजन कई भाषा इसका? अच्छा, वही उसी में एक भाषा मैंने भी बोल दिया। इसकी सब्जी बहुत ज्यादा टेस्टी होती है, पौष्टिक वाला होता है। फर्स्ट टाइम अभी मेरे घर आया है अनूप, अनूप तो गया था लेने और ये कह रहे थे सबके मिलेगा नहीं, लेकिन मिल गया। और इसके इस सब्जी में जितना पौष्टिक है, जितना ये हेल्दी है, उतना शायद कोई भी सब्जी नहीं है। इसलिए और बहुत लोग इसको पसंद करते हैं, बहुत लोग नहीं, लेकिन हम तो पसंद करते हैं, हमको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इसलिए मैं इसको बोली कि ढूंढ के लाना, ला भी दिया है। और इसका सीजन भी है, बहुत कम में दिन रहता है, सीजन फिर चला जाएगा। तो जब इतना पौष्टिक है तो इसको खाना भी तो ज़रूरी है। सही ना मम्मी? मसाला पिसाएगा तो बिना लहसुन, तब बिना मसाला तुम खा लोगे? तुम्हें बता दो, तुमने छोड़ा है? ना कर, नहीं करोगी? है करो। चलो चलो, हम नहीं बोले। मसाले तुम खा लोगे सब्जी? हाँ अच्छा, नहीं नहीं खाएंगे। आराम देती है तुमको? आराम देती है? काहे इतना हंस रही हो? चलो मसाले के लिए तैयारी करो, ठीक है? देखो हम बता दे रहे हैं, हमार मौसी एगो है जो मेरा ब्लॉग देखती है, ठीक है? ये भी ब्लॉग देखेगी, कहेगी मेरा नाम लिया। मेरी एक मौसी है सबसे छोटी वाली, जिसका घर यहाँ एक परतावल है, उसको सहजन का सब्जी नहीं आता है, तो हम उसको पर्सनली बता देते हैं। देख लो मौसी, तुमको बताते हैं फोन से, तुम समझ नहीं पाती हो, तो अभी हम तुमको बता देते हैं। ये सहजन को ले लेना और ये इतना, मतलब एक अंगुली थोड़ा सा बड़ा, डेढ़ उंगली का काट लेना और इसको ऐसे ऐसे छील लेना। देखो ऐसे पकड़ के और ऐसे ऐसे देखा दो, मम्मी छील रही है, ऐसे ऐसे छील लेना। ये ऊपर का छिलका मोटा मोटा निकल जाएगा, तब इसकी सब्जी बनेगी। देखो ऐसे निकलेगा, ऐसे तो बना लेना सब्जी, ठीक है मौसी? समझ गई ना? ठीक है। और ऐसे मसाला तैयारी कर लेना मौसी, हैं? नहीं अब मौसी देख के जान जाएगी। गर्म मसाले में मिर्ची लहसुन और वो होममेड गर्म मसाला है आधा चम्मच, और ये सरसों पीली वाली, बस इतना ही मसाला डाली पीसेगी। इधर आलू को बॉईल कर, इधर आलू को फ्राई कर लिए तेल में, 3 से 4 मिनट। ये 5 फोरन डालेंगे, ये किसमें पकड़ा डालेंगे, हल्दी पाउडर, टमाटर डाल देंगे, अभी नमक जाएंगे तभी टमाटर बन जाए अच्छे से। तो इधर मसाले अच्छे से भून गए हैं और टमाटर भी गल गया है। और देखो इसका कलर कितना मस्त आया है, तुम कह रहे हो नहीं आया है? कलर तो अच्छा आया है। टमाटर भी गल गया है और इसे फटाफट से डाल देंगे ये आलू और आलू और सहजन का सब्जी। फर्स्ट टाइम सीजन का फर्स्ट टाइम बन रहा है अभी। इधर आलू तो फ्राई था और सहजन को भी 3 से 4 मिनट अच्छे से भी लो फ्लेम पे भूनेंगे। देखो अनु सब्जी क्या मस्त दिख रहा है, खुशबू जबरदस्त आ रही है, खुशबू तो एकदम मस्त। सब्जी 3 से 4 मिनट भुनेगा अच्छे से। जब 3 से 4 मिनट अच्छे से भुन गया तब तक चावल भी भून के रख दिए हैं और अभी सब्जी भुन गया है, पानी डालेंगे फिर मीडियम आंच पे पकाएंगे, 10 मिनट हो जाएगा सब्जी। तो इधर पानी डाल दिए, 10 से 12 मिनट में सब्जी, 10 मिनट में, 8 से 10 मिनट में सब्जी बनके रेडी हो जाएगा। चलिए खाना खाएंगे।
few minutes later. तो इधर दोपहर का टाइम हो गया है, इधर खाना लग गया है और खाने में आप लोगों ने देख ही लिया है सहजन का सब्जी, कलर क्या ही मस्त आया है, बहुत ही ज़्यादा मस्त लग रहा है। मम्मी, डॉली और अनु तीनों लोग खाना खाने बैठ गए हैं, हरीश थोड़ा बाहर गया है। कैसा हुआ अनु खाना? बहुत बढ़िया। डॉली, अम्मी मस्त हुआ है? थोड़ा सहजन खा के दिखाओ तो। ठीक है, चलो खाना खा रहे हैं, अभी चलते खाना खाते मिलते हैं नए ब्लॉग में। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।